आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दांत के बारे में, यानी कि जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी में कहीं भी हो जाती है, बहुत सी ऐसी दवाइयां यूज करते हैं, इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर भी नहीं ठीक होता है। तो इस वीडियो में हम बेस्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जहां ऐसी दवाइयां नहीं काम करती हैं तो वहां ये दवा काम करती है। जी हाँ दोस्तों, हम लेके आए हैं जोरबैक्स 500 mg टेबलेट के बारे में। अब ये जो जोरबैक्स 500 mg टेबलेट क्या होता है, इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, कैसे लेना होता है, कितने दिनों तक लेना है और आपकी दांत को कैसे ये खत्म करती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। जोरबैक्स जो टैबलेट होता है, इसके कंपोजिशन में ग्राइसोफोल्बिन होती है, जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है। इसकी जो डिस्कवर यानी कि खोज की गई 1939 में की गई, और दोस्तों पहली बार इसका जो उपयोग किया गया, पहली बार मार्केट में जो लाई गई 1958 यानी कि 1958 में, ये देखा गया कि ये फंगल इन्फेक्शन में काफी कारगर है। इसके यूजेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो जिन लोगों को रिंग वार्म हो जाती है, यानी बॉडी के किसी भी पार्ट में क्या होता है, गोल टाइप रिंग वार्म हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है, तो ऐसी कंडीशन में ग्राइसोफोल्बिन यानी कि जोरबैक्स 500 mg टेबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जॉ किच में किया जाता है, यानी कि जिन लोगों के दांत हो जाते हैं जांघों के बीच में, थाई के बीच में, प्राइवेट पार्ट के एरिया में जॉ किच हो जाता है, यानी कि खुजली होती है और दांत बहुत ज्यादा हो जाता है, चमड़ी काली पड़ जाती है खुजलाते खुजलाते, तो ऐसी कंडीशन में ग्राइसोफोल्बिन काफी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों याद रहे, अगर कोई भी मेडिसिन नहीं काम करती है तो उस कंडीशन में ग्राइसोफोल्बिन मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है फंगल इन्फेक्शन में। इसके अलावा दोस्तों एथलीट फूड्स में दिया जाता है, यानी कि आपके जो पंजे होते हैं, पैरों के टॉय होते हैं, बीच में जो पैर के पंजे होते हैं, वहां क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है फंगल इन्फेक्शन का, ऐसे कंडीशन में दिया जाता है। या आपके नेल में यानी कि नाखूनों में हो जाते हैं इन्फेक्शन, या फिर आपके स्काल्प में यानी कि आपके क्या होता है, सर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है फंगल, तो ऐसी कंडीशन में जोरबैक्स टेबलेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें दोस्तों ये जो मेडिसिन होती है, जैसे कि जिन लोगों को ईस्ट इन्फेक्शन हो जाती है तो उसमें ये वर्क नहीं करता है। बात करें इसके प्रिकॉशन के बारे में यानी कि सावधानी के बारे में, तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस टेबलेट का उपयोग न करें। साथ ही साथ दोस्तों जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसको सलाह नहीं दी जाती है देने की। जो ये जोरबैक्स टेबलेट होता है, ये बॉडी में कैसे वर्क करता है, तो दोस्तों जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनके जो सेल होते हैं, जो डिवीजन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं हमारे बॉडी में, तो उनको क्या करता है, ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। डोज के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका जो डोज होता है, आपको नाश्ते के बाद या खाने के बाद आपको दिन में 2 बार ले सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों इसके डोज होते हैं, लेने का सही तरीका होता है, 2 से 4 हफ्ते तक अगर इसका यूज करते हैं तो आपका जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो ठीक होने लगता है। दोस्तों याद रहें, हर तरह के फंगल इन्फेक्शन में अलग अलग ट्रीटमेंट और कोर्स अलग अलग होता है। ठीक है, ये अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके परामर्श लेके ही यूज करें। ठीक है, बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको ल्यूकोपीनिया हो सकती है, यानी कि WBC की जो मात्रा होती है हमारे बॉडी में, लेवल जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, उनकी कमी हो सकती है बॉडी में। एल्ब्यूमिन यूरिया हो सकता है, यानी कि हमारे यूरिन के थ्रू प्रोटीन एक होती है वो बाहर निकलने लगती है। इसके अलावा दोस्तों हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।